खाना पीना चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुछ ऐसी उपाय के बारे में बताने वाली हूँ जिसको अगर आप लगातार करते हैं तो 1 से 1.5 साल के अंदर आपकी शादी हो जाएगी। दोस्तों, जिसकी शादी नहीं होती है ऐसे लोगों के कुंडली में बृहस्पति कमजोर होती है। तो आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, आपको अपनी बृहस्पति ग्रह मजबूत करनी है, तब जाके आपकी शादी होगी। सबसे पहली उपाय, जैसे ही आप सुबह सो कर उठते हैं अपने माता पिता का पांव छुएं, या तो आपके परिवार में जो सबसे बड़े हैं उनका पांव छुएं। दोस्तों, यह उपाय सबसे सस्ता और सबसे आसान उपाय है, लेकिन आप इसको बिल्कुल हल्के में ना लें। बस इतना छोटा सा उपाय करने से आपकी किस्मत चमक जाएगी। शादी तो बहुत छोटी प्रॉब्लम है, ऐसा जो लोग लगातार करते हैं उनका 9 ग्रह ठीक हो जाता है और सभी देवी देवता उनसे खुश हो जाते हैं। दूसरी उपाय, केसर का तिलक रोज अपने माथे पे लगाएं। अगर आप केसर का तिलक नहीं लगा सकते हैं तो आप हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी उपाय, रोज नहाने से पहले पानी में 1 चुटकी हल्दी डाल के नहाएं। चौथी उपाय, भोलेनाथ का पूजा डेली करें और खास करके शनिवार को शिवलिंग के ऊपर 2 केला अर्पित करें। सिर्फ 2 करें, 3 और 1 ना करें। इन सभी उपाय को आप लगातार करना शुरू कर दें। और मैं अपने तरफ से आपको एक बात कहती हूँ, आप जब भी कोई उपाय करना शुरू करते हैं तो उसको पूरा विश्वास से करें। जो लोग पूरे विश्वास से उपाय नहीं करते हैं और जो लोग नियमित उपाय नहीं करते हैं, एक दिन किया दूसरे दिन नहीं किया, यानी कि जो लोग लापरवाह होते हैं, ऐसे लोग चाहे किसी का भी उपाय कर लें, कितना भी उपाय कर लें, इनको कोई भी फायदा नहीं होता है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए लाल बटन दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।